नमस्कार। और आज हम खड़े हैं इंडियन बैकहॉल लोडर के सामने जिसका नाम है टाटा हिटाची शिनराई प्राइम। 2018 में लॉन्च हुआ था और ये 2021 का सेकंड जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आता है। रेंज शुरू होती है एक्सशोरूम 26 लाख रुपीस से और टॉप मॉडल की कीमत है 32 लाख रुपीस। और ये शिनराई प्राइम 4x2 आप देख रहे हैं। टाटा हिटाची जॉइंट वेंचर है टाटा मोटर्स और जापानीज कंपनी हिटाची कंस्ट्रक्शन मशीनरी का, जो कई फेमस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाते हैं जैसे एक्सकेवेटर, व्हील लोडर और कई कस्टमाइज मशीन्स। ये टू व्हील ड्राइव मॉडल है, फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है। शिनराई प्राइम की धारवाड़ कर्नाटका में असेंबली होती है। शिनराई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रस्ट, रिलायबल और कैपेबल। एक्सीलेंट हाइड्रोलिक सिस्टम ईएचएस के साथ टैंडम गियर पंप है, ज़्यादा एवरेज, आसानी से लोड उठाने की क्षमता और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। एक साल 2000 आवर्स की स्टैंडर्ड वारंटी टाटा हिटाची देती है शिनराई प्राइम पर। एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ एडिशनल एक साल 2000 आवर्स की एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी मिलेगा। ये स्टैंडर्ड लोडर बकेट है, 6-in-1 लोडर बकेट का भी ऑप्शन है। हाई ग्रेड टफ स्टील से बनी 1.1 क्यूबिक मीटर की लोडर बकेट है। स्पिल गार्ड दिया गया है सिलेंडर्स की सेफ्टी के लिए। डबल सिलेंडर पैरेललोग्राम अरेंजमेंट है हाई लोडिंग हाइट के लिए। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल पैरामीटर्स हैं ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस और ज़्यादा लाइफ के लिए। और ये फ्रंट ग्रिल, शिनराई की बैजिंग, और ये एग्जॉस्ट पाइप, सिंगल वाइपर है, ऊपर लाइट्स दी गई हैं, और ये हेडलैम्प इंडिकेटर के साथ, मैनुअली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर्स हैं, और यहाँ से भरेंगे डीजल। सिक्स मीटर लेंथ है, 3.5 मीटर हाइट है, 11.7 मीटर टर्निंग रेडियस है, 8000 kg ऑपरेटिंग वेट है बेहतर स्टेबिलिटी के लिए, और 320 mm ग्राउंड क्लियरेंस है शिनराई प्राइम का। मेटालिक फेंडर हैं जिससे डैमेज का खतरा कम होगा। पीछे 25 इंच और आगे 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे। आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स हैं। ये जनरल पर्पस टायर्स हैं हार्ड सॉइल और हिली टेरेन के लिए। हैवी ड्यूटी टायर्स का भी ऑप्शन है। और ये फुट स्टेप रिफ्लेक्टर, टाटा हिटाची का स्टिकर, ऊपर भी स्टिकर दिया गया है, शिनराई प्राइम मॉडल का स्टिकर, BS4 का स्टिकर, और ये है 25 इंच के स्टील व्हील। C8 के टायर्स हैं। व्हील्स के बीच में ऑयल स्टोरेज है। और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। स्टेबलाइजर में वेल्टन प्लेट्स लगी हैं जो आसानी से घिसती नहीं है और लंबी लाइफ देती हैं। रिफ्लेक्टर है। आगे और पीछे करारों के हैवी ड्यूटी एक्सल हैं। इस 4x2 में आगे नॉन पावर्ड और पीछे पावर्ड एक्सल हैं। 4x4 में दोनों एक्सल में पावर अवेलेबल रहती है। फ्रंट एक्सल प्लस या माइनस 8 डिग्री तक ऊपर और नीचे हो सकता है, और इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस से आप इसे किसी भी ऊंची नीची जगह पर आसानी से चला सकते हैं। हाई लो प्रेशर अनलोडर सिस्टम्स हैं जो ज़रूरत के हिसाब से ऑप्टिमम हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करेंगे। हाई ग्रेड स्टील से बनी है बैकहो बकेट जिसका साइज़ है 0.26 क्यूबिक मीटर। इसमें 5 टूथ पॉइंट्स हैं। ज़्यादा मजबूती के लिए इसके लिंक बने हैं फोर्ज मटेरियल से। सिलेंडर के हाई ग्रेड होजेस को आर्म के अंदर से डाला हुआ है किसी भी डैमेज से बचाने के लिए। इसके बूम आर्म्स और मेन फ्रेम में यूज़ होती है थिक स्टील प्लेट्स। पार्कर कंपनी का हाइड्रोलिक पंप और कंट्रोल वॉल्व है जो काफ़ी रिलायबल है। और ये लॉक वार्निंग।
4500 आवर्स में चेंज कराना होगा हाइड्रोलिक ऑयल, जो इसके सेगमेंट में सबसे लंबा चेंज पीरियड है। और ये पीछे टेल लाइट, ऊपर भी चार लाइट्स दी गई हैं। केबिन की सारी विंडोज आप ओपन कर सकते हैं। बैकहो साइड के लिए और भी बकेट्स के ऑप्शंस हैं, जैसे हैवी ड्यूटी बकेट, पाइप लेइंग ट्रेंच बकेट और डिच क्लीनिंग बकेट। आपकी वर्किंग के हिसाब से कई अटैचमेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे रॉक ब्रेकर, पुलिंग के लिए रिपर टूथ, अटैचमेंट चेंज ओवर कपलर और ड्रिलिंग ऑगर। इनसाइड टाटा हिटाची का टेलीमेटिक सूट है, जिसमें आप फ़ोन या कंप्यूटर से ही व्हीकल के कई फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे GPS रिमोट ट्रैकिंग, मशीन लोकेशन, जियो फेंसिंग, फ्यूल लेवल, फ्लीट मैनेजमेंट, मशीन मेंटेनेंस और ऑपरेशंस। पहली सर्विस 250 आवर्स में और उसके बाद हर 500 आवर्स में सर्विस कराना होगा शिनराय प्राइम। इसकी एवरेज कॉस्ट होगी लगभग 6000 रुपीज़। 12 वोल्ट 130 एम्पेयर आर की बैटरी है। 45 डीलर्स और 250 प्लस टच पॉइंट्स हैं टाटा हिटाची के। और यहाँ हाउसिंग क्लीनिंग, स्टेबलाइजर प्ले और नाइलॉन वेयर पैड की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। इनसाइड का स्टिकर, टोल फ्री नंबर का स्टिकर और यहाँ कुछ चेकलिस्ट है। और ये विन प्लेट, फ्यूल फिल्टर, फ्रंट एक्सल प्लस या माइनस 8 डिग्री तक ऊपर नीचे हो सकता है। आइए केबिन डोर ओपन करके देखते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स FOPS सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है केबिन। ग्लास डोर पे हैंडल बार है इजीली चढ़ने के लिए। इधर भी हैंडल बार दिया गया है। और ये है विनाइल अपहोल्स्ट्री में सस्पेंशन सीट, साथ में सीट बेल्ट है, फुली एडजस्टेबल 180 डिग्री रोटेटिंग सीट है, AC का भी ऑप्शन है, 2 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम है। हेल्पर सीट के नीचे काफ़ी स्पेस दी गई है। और ये लाइट, ये सारी ग्लास विंडोज ओपन हो सकती हैं। बढ़िया वेंटिलेटेड और स्पेशियस केबिन है। और ये रेमी का फैन, और ये बैकहो लीवर और स्टेबलाइजर लीवर, हॉर्न है। और ये कुछ इंफॉर्मेशन स्टेबलाइजर की, यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस दी गई है। इधर भी स्पेस है। स्मूथ कंट्रोल के साथ हाइड्रोलिक एक्चुएशन टाइप स्टेयरिंग है। सीट बेल्ट और ये ब्रेक्स और एक्सेलरेटर, सीट एडजस्टमेंट, मैनुअल हैंड ब्रेक, काफ़ी स्पेस, बॉटल होल्डर और ये लोडर और बैकहो मोड और इमरजेंसी स्टॉप के बटन्स, 12 वोल्ट का पोर्ट, यहाँ से व्हीकल स्टार्ट होगी। और ये बैकहो का वर्किंग लीवर, आगे पीछे वर्क लाइट स्विच, फैन और साइड शिफ्ट स्विच। और ये है मल्टी फंक्शन डिजिटल डिस्प्ले, जो दिखाएगा फ्यूल लेवल, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, वर्क आवर और कई इन्फॉर्मेशन। और ये क्लच डिस्कनेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये फ्रंट लोडर बकेट कंट्रोल लीवर, हैंडल बार और ये ब्रेक ऑयल, और ये फ्यूज बॉक्स,
और ये है करारो का सिंक्रो शटल फोर स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये थ्री स्पोक स्टेरिंग, यहाँ पीछे बटन को दबा के गियर चेंज होगा, ब्रेक्स, और ये वाइपर के कंट्रोल्स, इंडिकेटर, और ये FNR स्विच, फॉरवर्ड न्यूट्रल और रिवर्स, लाइट के कंट्रोल, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा स्पीड और कई वार्निंग लाइट्स, और ये म्यूजिक सिस्टम सपोर्ट करेगा FM, रेडियो, USB और ब्लूटूथ, और ये USB और ऑक्स के पोर्ट, टाटा हिटाची के स्पीकर्स, रियर व्यू मिरर, आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है 3800cc इनलाइन फोर सिलेंडर टर्बो चार्ज इंटरकूल्ड कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन CRDI BS4 CEV4 16 वॉल्व V3800 TIE4B जापानीज डीजल इंजन। इंजन कंट्रोल यूनिट ECU, ऑटोमेटिक फ्यूल प्राइमिंग सिस्टम और डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट DOC के साथ 74.3 हॉर्स पावर है, 305 Nm टॉर्क है। बैको ऑपरेशन में 4 लीटर पर आर का एवरेज मिलेगा, फ्रंट लोडर ऑपरेशन में 5.5 लीटर पर आर का एवरेज मिलेगा। 128 लीटर के फ्यूल टैंक से 1000 आर में चेंज कराना होगा इसका एयर फिल्टर। ये लो RPM पे फ्लैट टॉर्क वाला इंजन है जिससे मिलता है ज़्यादा एवरेज और हर एप्लीकेशन के यूसेज में बेहतरीन टॉर्क। और ये वार्निंग स्टिकर, लोडर बकेट की लेंथ है 1.6 मीटर, लोडर बकेट 3.3 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और 110 mm तक गहरी डोजिंग कर सकता है। बकेट का 45 डिग्री रोटेशन एंगल है इजी अनलोडिंग के लिए और इसका वेट है 560 kg। इसमें 8 टूथ पॉइंट्स हैं। इसका ब्रेकआउट फोर्स है 6580 किलोग्राम फोर्स और इसकी लगभग 2000 kg तक की पेलोड कैपेसिटी है। 3.3 मीटर तक की ऊंचाई तक ये लोडर बकेट जा सकती है। 1.6 मीटर इसकी लेंथ है। बैकहो की फुल लेंथ है 5.4 मीटर, 6 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है और 4.7 मीटर तक गहरी खुदाई कर सकता है जो इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। 180 डिग्री बकेट रोटेट हो सकती है और इसका वेट है 220 kg। इसमें 5 टूथ पॉइंट्स हैं जो एक्सकेवेटर के डिज़ाइन वाले हैं। बैकहो आर्म की लेंथ है 2 मीटर, बैकहो बूम की लेंथ है 2.5 मीटर और बकेट की विड्थ है 752 mm। बैकहो बकेट की डिगिंग फोर्स है 5685 किलोग्राम फोर्स और बैकहो आर्म की डिगिंग फोर्स है 3220 किलोग्राम फोर्स। 6 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है और बैकहो की फुल लेंथ है 5.4 मीटर। फोर मीटर तक की ये गहरी खुदाई कर सकता है। वन डिग्री बकेट रोटेट हो सकती है।
तो कैसा लगा आपको टाटा हिटाची शिनराय प्राइम बैकहोल लोडर, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।
पीछे वाले से भैया,